सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस फाइनली आपका भाई एकदम इंपॉर्टेंट वाली वीडियो लेके आ चुका है और आप लोगों को थंबनेल से ऑलरेडी पता चल भी गया होगा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, जैसे 2023 की शुरुआत हुई उससे फ्री फायर ने एक न्यू सैड न्यूज़ अपडेट बोल सकते हो, या नॉर्मली आप एक कितना बड़ा अपडेट दिया फ्री फायर ने जो कि आपको जानना जरूरी है। तो गाइस आप लोगों को भी मन में बहुत डाउट आया रहेगा, क्योंकि न्यू सेशन में जब जाते हो तो आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो कि आप लोगों का जो जस्टिन बीबर से जो कैरेक्टर आया था यहाँ पे फ्री फायर ने इतने खासे इस पे मतलब इसका ऐड किया था, ये किया था, सब कुछ किया था, लेकिन इस कैरेक्टर को आप फ्री फायर यहाँ से रिमूव कर रहा है। और गाइस इसका लास्ट डेट 4 जनवरी को ही है 2023 में, तो ये क्यों फ्री फायर यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा है। साथ ही साथ क्या इसके जो कैरेक्टर चला जाएगा तो फिर रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, साथ ही साथ एक्टर है अब उनका क्या होगा, और उसी के साथ साथ इसकी जो स्किल है इसमें कोई चेंजेस होने वाले क्या, और साथ ही साथ जिन बंदों को इससे रिलेटेड जो बंडल्स मिले थे जो कि जस्टिन बीबर से रिलेटेड बंडल्स थे आप लोगों को भी पता होगा, तो ये सारे बंडल्स का अब क्या होगा, उनका ऑलरेडी अपने आप रिमूव हो जाएगा क्या, साथ ही साथ कैरेक्टर रिमूव ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा क्या, जो कि आप लोग अगर चेकआउट करते हो तो इस कैरेक्टर की स्किल, ये कैरेक्टर थी क्या स्पेसिफिक स्किल मतलब जस्टिन बीबर था यहाँ पे क्या इसकी स्किल क्या चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ क्या इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर हट जाएगा, जो भी इसके डाउट है गाइस सभी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या कुछ होने वाला। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आप चैनल में पहली बार तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर भी ऐसे कोई फ्री फायर का अपडेट हो गए तो आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी आपके फ्री फायर में कैरेक्टर है, चाहे वो आपका जो मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड है, लाइक आपका के कैरेक्टर गाइस आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सिंगर है, ये स्काइलर कैरेक्टर आपको भी पता है कि बहुत बड़ा, साथ ही साथ ये कैरेक्टर हुआ यहाँ पर आप लोगों का क्रोनो कैरेक्टर, तो कृष्णा रोनाल्डो को गैस CR7 है, साथ ही साथ जय कैरेक्टर हुआ, ये सारे कैरेक्टर गैस रियल लाइफ से कैरेक्टर से इंस्पायर है। तो गैस इन कैरेक्टर को लेने के लिए फ्री फायर यहाँ पे उनके साथ एक मतलब बॉन्ड करता है, लाइक आपके DJ आलोक के साथ यहाँ पे बॉन्ड किया गया है, जो कि लाइफ टाइम का बॉन्ड है यहाँ पे। गैस आप लोगों को पता हो ना, DJ आलोक ने यहाँ पे लाइफ टाइम का बॉन्ड किया है, और जो भी यहाँ पे फ्री फायर से अर्न होता है DJ आलोक को गैस वो सारा डोनेट कर दिया जाता है, आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा DJ आलोक करता है। साथ ही साथ यहाँ पे CR7 के साथ जब हुआ था या आपके जय कैरेक्टर के साथ हुआ था, तो गैस इनके साथ एक बॉन्ड बनता है फ्री फायर का, जो कि एक उनके हिसाब से होता है, लाइक उनको 5 ईयर्स रखना है, 1 ईयर रखना है, या कोई कोई लाइफ टाइम रखते हैं, जैसे आपका DJ आलोक का लाइफ टाइम था। लेकिन गाइस ऐसे कुछ होते हैं कैरेक्टर जो कि बहुत ही फेमस होते हैं, तो वो या साथ ही साथ उनको मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रखना होता है बॉन्ड, किसी भी गेम्स के साथ इतना कोलैबोरेशन नहीं रखना होता है, या गेम्स को उनके साथ नहीं रखना होता क्योंकि वो कॉस्टली पड़ते हैं। तो फ्री फायर या वो सामने वाला बंदा जिनके साथ एक करते हैं उनका यहाँ पे वो लोग एक 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, या हाफ ईयर्स का, जैसे उनको डील हो वो यहाँ पे करते हैं। सेम गाइस आपके फ्री फायर में जब CR7 के साथ हो तो आप लोगों को पता होगा इसका हाइप बहुत बना था, सबसे बेस्ट कैरेक्टर हुआ एक टाइम का, DJ आलोक भी गाइस इसके सामने कुछ नहीं था, आपको पता होगा अगर आप लोग बहुत पुराने प्लेयर हो गए। लेकिन इसके बाद गाइस जैसे यहाँ पे CR7 का जो कैरेक्टर था इसका जो इनके साथ जो बॉन्ड था वो वहाँ पे जैसे कंप्लीट होने आया, तो इस कैरेक्टर को रिमूव तो नहीं कर सकते जैसे अभी जस्टिन बीबर, और यहाँ पे आप लोगों को याद है कि नहीं याद है जय कैरेक्टर को भी फ्री फायर ने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इनको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि गाइस ये बहुत ही बड़ा मतलब फ्री फायर का बहुत इससे फेमस हुआ था, मतलब पब्लिक के बीच में डिमांड आ गया था, क्योंकि गाइस आप जानते हैं CR7 की फैन फॉलोइंग कितनी, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर बंदा है, तो गाइस इसी के लिए इसको रिमूव नहीं किया। लेकिन आप लोग देखोगे तो इसकी स्किल के पूरे इन्होंने वांदे लगा दिए, जो सबसे बेस्ट स्किल थी इसकी उसी को इन्होंने सबसे खराब स्किल में घोषित कर दिया, जबकि आपको पता है इसकी पुरानी स्किल इतनी खास थी कि आप अंदर से शील्ड के अंदर से मार सकते हो, आपकी मूवमेंट स्पीड को सबसे हाई कर देगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो डैमेज था वो सब भी कर देगा, लेकिन आप सबसे खराब स्किल आप लोग इसको जान सकते हो क्योंकि अब इसको कोई यूज़ भी नहीं करता, आप लोगों को पता होगा। सेम यहाँ पे फ्री फायर ने जय कैरेक्टर के साथ किया, लेकिन जय कैरेक्टर को इन्होंने इजीली रिमूव कर दिया क्योंकि सिर्फ इंडिया में फेमस है गाइस, अदर कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पे इतना फेमस अभी आप लोगों को बुरा लग सकता है इसके लिए सॉरी, लेकिन सेम बात है जैसे सब जगह के आपको अमेरिका के कोई हीरो का जल्दी नाम पता नहीं होगा, आयरन मैन ये सबका छोड़ के नॉर्मली हीरोज़ के नाम नहीं पता होंगे, सेम गाइस यहाँ का भी हाल था। इसके लिए इसको आप लोगों को पता है 1 साल पहले जय कैरेक्टर को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन गाइस ये कैरेक्टर गेम में है, इसके बदले गाइस आपको फ्री फायर में जय नाम का एक चिप मिलता है जिससे आप लोग इस कैरेक्टर को ले सकते हो। सेम गाइस अब होने वाला है जस्टिन बीबर कैरेक्टर के साथ, ये गाइस गेम में रहेगा, इससे रिलेटेड जो भी आपके आइटम्स रहेगा वो भी आपके गेम में रहेंगे, रिमूव कुछ नहीं होगा, कैरेक्टर भी रिमूव नहीं होगा, लेकिन जो न्यू बंदे आएंगे अब वो डायरेक्ट जय कैरेक्टर को ले नहीं सकेंगे, जैसे आपको स्टोर में अगर जय कैरेक्टर लेना होगा, लाइक गाइस मेरे पास तो है कैरेक्टर्स के लिए, मुझे यहाँ पे आई थिंक दिखाएगा कि नहीं गाइस, यहाँ पे जैसे देख सकते हो
ये गाइस जय कैरेक्टर का माइक्रोचिप है, देख सकते हैं जय कैरेक्टर का यहाँ पे फेस नहीं दिखाई दिया है। सेम गाइस यहाँ पे जस्टिन बीबर का अब होने वाला है। अब जस्टिन बीबर का जैसे यहाँ पे चिप है, यहाँ पे लिखा है जय माइक्रोचिप, उससे लिखा होगा जस्टिन बीबर माइक्रोचिप। जो बंदे इसको लेंगे उसके बाद गाइस ये कैरेक्टर उन्हें मिल जाएगा। तो ये फ्री फायर ने किया है। साथ ही साथ बोलो कि मन में डाउट था कि भाई इससे रिलेटेड जो मुझे आइटम्स लिए थे जो फ्री में मिला था, क्योंकि आप लोगों को पता जस्टिन बीबर आई थिंक फ्री में मिला था कि नहीं मिला था कमेंट करके जो बताना। तो इससे रिलेटेड जो बंडल थे डिलेक्स बंडल या नॉर्मल बंडल, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस वो सब कुछ रिमूव नहीं होगा, जिनके पास जो है वही रहेगा। लेकिन हाँ, इसके बाद 4 जनवरी के बाद जो बंदे लेना चाहेंगे आप वो ले नहीं पाएंगे। इसके लिए फ्री फायर ने बताया, अगर आपको लेना है तो स्टोर में जा चुके ले सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं ले पाओगे। और साथ ही साथ जिनको जस्टिन बीबर लेना होगा वो उसके बदले वहाँ पे माइक्रोचिप नाम का आएगा, जस्टिन बीबर माइक्रोचिप, उसको लोगे तो यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर ले सकते हो। तो यही गाइस कुछ अपडेट था जो कि आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट था क्या फ्री फायर से जस्टिन बीबर हट भी जाएगा, स्टोर में क्या कुछ होगा। तो इनके लिए आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाए, कमेंट करके जोर से पूछना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।